Hey, what's up guys? This is Late Latif. बोले तो नरेंद्र रोम है. Because Late Latif इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे late पहुँचे हैं और सर ने मेरा wait किया है. वो भी 10 मिनट और पागलों की तरह दौड़ा है इन्होंने मेरे को. उन सर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा बट मैं बाद में कराऊंगा. वो अपना अभी जुगाड़ करवा रहे हैं सीट का, लेटने बैठने का जुगाड़ करवा रहे हैं वो अभी. बट आज लेट हो गया था मैं, 5 मिनट लेट हो जाता ना अगर तो गई थी अपनी राजधानी. लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठूंगा राजधानी में, वो भी छुट जाती है आज. मिलना है उनसे, मिलना है जो जिनके मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को दौड़ाया पागलों की तरह, कुत्तों की तरह. सीरियसली इनकी एज अभी 50 अराउंड होगी और जो दौड़े ना ये, बाय गॉड. सीरियसली राजधानी में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ और यहाँ का मेरे को जो डिफरेंस अभी तक लग रहा है ना, वो बस एसी का लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है. कुछ और डिफरेंस है, बस एसी चलता है इसमें. अरे वाह, ट्रेन भी चल पड़ी अपनी यार. सो अपन जा रहे हैं रांची. नई दिल्ली से पकड़ी अपन ने ट्रेन जी, रांची जाएंगे. 4 बजे बैठे हैं सुबह, मॉर्निंग 10 बजे पहुँचने का टाइम है इसका. और यार कुछ ज़्यादा ही तेज चल पड़ी है तो अपन को यहीं पे अंदर जाना पड़ेगा. मैं शक्ल देख लेता थोड़ी, शक्ल. कुछ खाना है पीना तो पास में ही है, खाने पीने का सारा जुगाड़ हो जाएगा यहाँ. जब भी अपन लोग यहाँ पे घुसे थे ना तो ये सारा यहाँ पे राजधानी में बैनर जो ना सीट पर कब्जा कर लेते हैं जो ना. स्पीति का मैंने ट्रेलर्स में डाल दिया है और सीरीज उसकी शायद मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा. आई होप कि अभी ये डल जाए और जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक शायद आपको ट्रेलर मिल ही चुका होगा. देख लो 33% हो गया है. आई होप डल जाए बिकॉज ऑन द वे है. पता नहीं नेटवर्क का इश्यू हो या ना हो, पता नहीं, देखते हैं कब तक डलता है. डल जाएगा सर, कह रहे डल जाएगा, डल जाएगा. फाइनली आया खाने को. सर खोलो क्या है इसमें, देखो तो. हेलो, ताजी है कटलर. कटलेट कहते हैं कटलेट. समोसा खत्म होने की वजह से जो है ना, ये समोसा खत्म हो चुका था इस वजह से ये तैयार कराए गए हैं जो है ना. सर ने बोला चाय जल्दी लेके आना क्योंकि 4 बज चुके हैं. मेरे को शर्मा जी की याद आ रही है. शर्मा जी हमारे ऑफिस में, 4 बजते उनको चाय चाहिए. अगर चाय नहीं मिली तो वो नहीं. सौभाग्य ये है कि समोसे खत्म हो गए थे इसलिए हमें जो है ना कटलेट दिए गए. समोसे जो है ना 4 बजे में समोसा खाने का जो है ना. ये वैसे शर्मा जी के जिगरी आ रहे हैं, इनको भी अगर चाय नहीं मिली ना तो उड़दंग काट देते हैं जैसे 10 साल का बच्चा काटता है. आ रही है, आ रही है बात. ये कटलेट है, ये तो रात में खाते हैं. ये रात का आइटम देते हैं, पता नहीं क्यों. ये क्या है ये? अच्छा ये टिकट है. तुम चाय नहीं पियोगे? ये सॉस है, ये मिठाई है. काफ़ी अच्छा कुछ मिल रहा है यार राजधानी में, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है. और ये अपना स्पीति का ट्रेलर चल रहा है अभी तक, पता नहीं कब अपलोड होगा. ये नेटवर्क भी चले जाएंगे शायद यहाँ पे क्योंकि ये देख रहे हो जगह, ये खेत खलियान आ गए हैं. और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बताऊँगा, ये सुधीर सर बताएंगे खाने के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस फंक्शन के लिए जा रहे हैं. खाने दो यार, कॉन्सेंट्रेट करने दो समोसे पर, चाय पर. चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय के बिना तो कुछ होता ही नहीं है जो है ना. चाय मिलेगी 8 बज गए और खाना आ गया और खुशी का ठिकाना नहीं है तीनों के चेहरे पे. सर ने तो पहले ही अपना डिनर कर लिया है. भैया का भी आने, आप लोग का खाना आएगा, भैया का आने वाला है. वेट कर रहा हूं. भैया को डर है कि तीनों ना छिल ले हम. देख इसमें देखते हैं क्या क्या है. चलो सर खोलो खोलो. हाँ हाँ, रुको नहीं तो देखो इसमें दाल होगी वो ढूंढनी पड़ेगी हमें. सर को सब पता है क्या क्या होगा. दाल है, ठीक है, दाल मिल रही है, दिख रही है, जीरा भी है. और इसमें राइस होगा. इसमें राइस है भाई? हाँ बिल्कुल राइस. सब बता रहे हैं कि किसमें क्या होगा. ये लो राइस सब्जी के साथ भी है, ठीक है ना. और कितनी मात्रा ये भी लिखा हुआ है. पनीर होगा जो खींच के खाना पड़ेगा थोड़ा मेहनत करके. पनीर तो काफ़ी डाल लगा इसमें. हाँ दही होगा,
ठंडा ये रोटी होगी, रोटी सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल है, आपको जो खाना है मिल जाएगा। सर ने बोला है कि अगर तेरे को भूख लगे ना तो मेरे से बोल दियो, मैं लेके आऊँगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने को। जुगाड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जुगाड़ का दूसरा नाम सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, इसलिए मैं इनके साथ आया हूँ। कम्बकतों ने क्वान्टिटी भी लिखी हुई है इसमें, देख रहे हो? 100 ग्राम, 120 ग्राम इसमें दाल है। दाल सीरियसली इतना अच्छा बिस्तर मैंने आज तक नहीं लगाया होगा। ये देखो, अरे हॉस्पिटल में नहीं हूँ, ट्रेन में हूँ, राजधानी में हूँ, राजधानी। ये बिस्तर ऐसी लग रहा है, लेकिन लगता है हॉस्पिटल वाला बिस्तर। हॉस्पिटल नहीं है, राजधानी का ये अपर बर्थ होती है ना, ये अपर बर्थ है। और यहाँ पे अपना सुधीर सर सोएंगे नंगे में चद्दर नियन के लिए। इन्होंने 100 रुपये कम दिए थे ना, तो इनको चद्दर नहीं मिली। 100 रुपये की चाय पी रही है, 100 रुपये की चाय पी रहे हैं बाहर, कत्थे वाली पता नहीं कहाँ से वो बताई इन्होंने, कत्था डालो चाय में तब देखो क्या मजा आता है। कासगंज से मैंने कहा पानी खा लेंगे हम तो। अरे ये निशांत यहाँ पे फैला हुआ है, इसकी गर्लफ्रेंड के 10 फोन आ गए सुबह से। वो भी आपके फोन पर। और बीवी का एक भी फोन नहीं आया अभी बीवी सही है, उल्टा बोल लो। बीवी के फोन नहीं आया, गर्लफ्रेंड के फोन आ गए, इसकी दुनिया होती है। हमको सारा कोई पूछ नहीं रहा। साला डबल बेड में सोने के आते थे अपने को, यहाँ सोना पड़ रहा सिंगल में। सिंगल का भी सिंगल है ये। अभी बज रहे हैं 9 और मैंने आपको ये तो बताया नहीं हम जा कर रहे हैं। सो हम जा रहे हैं अपने भाई की सिस्टर की शादी में, बोले तो अपनी सिस्टर की शादी में, वो भी रांची। सो अपन यहाँ से 4 बजे बैठे थे वहाँ पर, वॉचिंग अपने सुबह 9 या 10 बजे करीब। टाइमिंग तो यही है वहाँ पर अराइवल की कि हम 9 बजे पहुँच जाएंगे शायद। सो हाँ, अपने भाई की सिस्टर की शादी है तो वहाँ पे जाना तो ज़रूरी था, बिकॉज़ यारी है, दोस्त है, जिगरी है, सब कुछ है। और अपना फाइनेंसियर भी हुई है अपन दोनों का, मेरा भी निशान से सबका ही है। पूरे ऑफिस का फाइनेंसियर वही है। और दिल्ली सारी जितनी भी लड़कियाँ दिल्ली एनसीआर में, सबका भाई वही है, अपना फाइनेंसियर वो है और लड़कियों का भाई वही है। सीरियसली ट्रेजेडी हो गई थी ये, 5 किलो का पावर बैंक है ना। अंकल जी नीचे सो रहे हैं, इनके ऊपर गिरने से बच गया। कांड होता सही में, 5 किलो का है और ये गिर जाता ना अगर। ये देखो मैंने कहा था ना कत्थे वाली चाय आ रही होगी, कत्थे वाली चाय आ रही है। और इनके शर्ट बट बाहर आ गई है, फुल बदमाशी चल रही है, और दौड़ में औकात में आ गए, सीधी सी बात। रात के 9 बजे कौन चाय पीता अभी? सुधीर सर मैं सही बता रहा हूँ, जो जोश में आज मत जाना इनके साथ, कभी भी चाय पी लेते हैं। कहीं सोचे हो कि चलो एक ही टाइम है, इन्हें पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं भी खुद सफर बहुत किया। आप मतलब टॉर्चर ही होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और उठ गए अपन लोग, 6 बज रहे हैं अभी और रात में भी जल्दी सो गए थे, नींद एकदम जबरदस्त मस्त आई है। थोड़ी सी ठंड लगी थी बट ठीक है, उठ गए थे। भैया कह रहे 6:30 हो रहे हैं, कैसा ब्लॉगर है तू? रेक्टिफाई कर रहा है, एक आँख खुली ना, एक्चुअली में एक आँख खुली तो दिख नहीं रहा सही से, वो भी इसलिए उठे क्योंकि चाय बन रही है। अब बना कौन रहा है देखोगे? लगा बुड्ढा अपने काम में जो है ना, उठ गया था। चाय हमेशा ग्रुप का बुजुर्ग ही बनाता है। देखो ऊपर का सीन धुंधला है, अच्छा हाँ इसमें देखो ज्यादा अच्छा आ रहा होगा सर। कौन सी जगह, कौन सी है? बोकारो आने वाली है। बोकारो आने वाली है। और सर ने प्रॉमिस किया रात में कि बोकारो में आपको छोले खिलाऊंगा मैं, अगर ताजे मिले तो। अगर ताजे मिले रात वाले नहीं खिलाऊंगा जो है, जो गर्म होते हैं जो है ना, अगर ताजे छोले होंगे तो छोले खिलाऊंगा, वरना वो रात के रखे हुए छोले खिला देते हैं, ये भी ध्यान रखना। हाँ तो फिर वो छोले खिलाएंगे मस्त, अगर फ्रेश होंगे तभी खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे क्योंकि सर का पेट खराब है। उम्र का तगाजा, उम्र का। और रेलवे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को जब लगी, जब वॉशरूम जाओ और आप हिलते रहो। वो सबसे मजेदार, सबसे बढ़िया चीज है, चाहे आप खड़े हो चाहे बैठे हो, हिल जरूर रहे हो आप। That is the experience. यही एक्सपीरियंस है भैया, कह रहे हैं यही एक्सपीरियंस होता है, और वो मैं लेके जा रहा हूँ। मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि एक बार घर में ऐसे करके देखूंगा।
नहीं एक चीज है ना भाई, ये एक्सपीरियंस ये किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया आज तक, वो हिलने पर जो फील आता है ना वो कुछ अलग ही होता है। बंद कर रहा हूँ ये। फाइनली अपना स्टेशन आ गया है। थैंक यू भैया। अरे कहाँ गए? ये रे यहाँ पे सर बिल्कुल फौजी बने हुए हैं, फौजी। शूज़ भी इन्होंने ऐसे पहने हुए हैं। ये जुगाड़ू पता नहीं यहाँ पे कैमरा अलाव है नहीं अलाव, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से अपन लेंगे एग्जिट यहाँ से। सो अभी अपन लोग रांची के स्टेशन के बाहर ही बैठे हैं, बिकॉज मोबिन से बात हुई है तो मोबिन ने बोला है कि एक गाड़ी आ रही है ऑन द वे है, तो वो आपको पिक कर लेगी और वहाँ से अपन लोगों को उसके घर ले जाएगी। तो मैंने कहा बाहर बैठ के क्या करूँ, फिर मैं ये हनुमान मंदिर आ गया। सैटरडे तो मैंने सोचा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया। और देखा तो मोबाइल में कुछ कर रहा था, इधर क्या देख रहा था दिखा, ये पता नहीं एक मूवी देख रहा है मोबाइल में। मोबाइल देखो कौन सा है और मूवी देखो कौन सी है। क्या नाम है तेरा? विश्वास। विश्वास कौन सी क्लास में पढ़ता है? हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे किसी ने पे। अभी नहीं पढ़ रहा है क्यों? मम्मी नाम नहीं लिखाई है। हाँ लिखवाएगी, इसने बोला है कि अभी हम पढ़ने रहे हैं लिखवाएंगे नाम स्कूल में। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कितने साल का है तू? 11 साल। ये चुंदी सा 11 साल का देख रहे हो उसको, तो कह रहा है अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मे बी शायद कुछ पर्सनल रीज़न हो पता नहीं। तेरी बहन है? क्या नाम है इसका? क्या नाम है तेरा? एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका नाम क्या है? हाँ ये भी स्कूल नहीं जाते हैं। सो सैड कि ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं, बिकॉज अच्छे खासे बड़े हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज मे बी शायद फाइनेंशियल रीज़न होगा, बिकॉज इनकी मदर आप देख सकते हो। सो वो हैं ये ठेले वेले पे कुछ काम करते हैं, शायद उतना फाइनेंशियली नहीं हो पाता हो कि इनको स्कूल भेज सके। बट आजकल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है कि आप अच्छे अच्छे चाहे कितने भी फाइनेंशियल वीक हो, आप गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादा फीस तो होती नहीं है, तो वहाँ पे तो भेज सकते थे इनको। आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं भेजा है। अपना मस्ती में लेटे थे, कैब वाले का फ़ोन आया जिसको मोबिन ने भेजा है, वो आ गई है अपना यहाँ पे लेटे। बाय, चलो बाय हनुमान जी। चलो सर वहीं खड़ा है वो कैब लेके। कहाँ पे? सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब स्वास्थ्य मेरे साथ तो मेरे साथ सर खड़े हैं। जब स्वास्थ्य होगा तभी तो हानिकारक है, स्वास्थ्य है ही नहीं। जिनका स्वास्थ्य है वो जो है ना उनके लिए हानिकारक है, जिनका स्वास्थ्य ही नहीं है उनके लिए कोई हानिकारक नहीं है। वो लोग भी नहीं पियेंगे। फिर आ रहा उसका फ़ोन। हाँ जी भैया, दिख गया भाई वो खड़े हैं वहाँ पे, देख रहे हैं। सो मोबिन ने उनको भेजा है हमारे लिए। थैंक यू मोबिन। सो फाइनली भैया नाम क्या आपका? मेरा सोहराब है। सोहराब, और गाड़ी में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप आगे की सीट पे बैठो तो सीट बेल्ट जरूर बांधो। जी हाँ, चाहे आप यूपी में हो चाहे आप झारखंड में हो। सर ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर की, सर बिना पूछे सीट बेल्ट लगा लेते हैं। देखो मैं तो ऑफिस में भी सीट बेल्ट बांध के बैठता हूँ इतना ज़्यादा। और रांची में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी है ना, वो यहाँ पे ये लगी है कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप में सारी लेडीज़ हैं, और एक दो जगह हमने ये मैंने ये भी देखा है कि जो ऑटो भी चला रही है ना शेयरिंग जो ऑटो होते हैं वो सारी लेडीज ही चला रही है। सीरियसली देखो, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल है। देखो ना यार सीरियसली, एक ये है उस तरफ दूसरी लेडीज है, तो दोनों जगह लेडीज ही कर रही है। अप्रिशिएटेड। ओ ओ ओ ओ कहाँ है तेरा घर भाई? ये अरे मेरी जान, वो दिख गया लौंडा, देखो चमक रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, छह सात फोड़े निकल गए इसके। दिख गया आपको? दिख गया वो लौंडा अपना ही हो? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। हो रहा वो लौंडा अपना? जय बजरंग बली। चल सामान उठा ले, चल सामान उठा। खाली
सो अपन लोग सारे तैयार हो चुके हैं और 7 बज रहे हैं करीब। मेरे बगल में सुधीर सर बैठे हैं, एकदम टिंच लग रहे हैं, एकदम टिंच।